संस्कृत में और इसमें 212 श्लोक है। इनकी रचना भगवान स्वामी नारायण के द्वारा की गई है। इनकी रचना वड़ताल में 11 फरवरी 1826 को की गई थी। यह छोटी पुस्तिका अनपढ़ से विद्वान तक, किसान से करोड़पति तक, गरीब से राजा तक, मानव मात्र को एक जैसी उपयोगी है। इसीलिए शिक्षा पत्र की बहुत महिमा है। जैसे विशल्यकर्णी औषधि लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवन किया, उसी तरह यह शिक्षा पत्र के पालन करने से इस संसार में, व्यवहार में और वृद्धावस्था में सभी तरह से सुखी होते हैं। शिक्षा पत्र अनुसार जीवन जीने वाले, व्यवहार रचाने वाले को भी दुख आता ही नहीं, क्योंकि शिक्षा पत्र में मानव मानव के बीच कैसे सद्व्यवहार किया जाए उसके लिए स्पष्ट सूचना। शिक्षा पत्र की रचना होने के बाद स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षा पत्र की नकल बनवा के कई गांव में पहुंचा। राजकोट में सरमालकम साहब की मुलाकात के समय स्वामीनारायण भगवान ने उनको शिक्षा पत्र की एक नकल भेंट दी। वह शिक्षा पत्र आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पुस्तकालय में सम्मानपूर्वक संभाल के रखी है। बदलते समय के साथ सामाजिक मूल्य रीति रिवाज भी बदलते हैं, फिर भी बदलते समाज के हर एक रूप में शिक्षा पत्र की आज्ञा से जैसी साधारण लगने वाली आज्ञा का भारतीय लोग अगर पालन करे तो महानगर पालिका के सफाई काम के करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है। ऐसे आदर युक्त शब्द भारत के आध्यात्मिक पुरुष भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने अहमदाबाद की सभा में कहे थे। शिक्षा पत्र में स्वच्छता के सामान्य सूचन से लेकर आर्थिक लेन देन कैसे करें, आर्थिक लेन देन में सही सिक्का और साक्षी कैसे रखें, इस बात पर जोर दिया। इसके अलावा सामाजिक व्यवहार में शादी के समान श्लोक का भी शिक्षा पत्र में समावेश है। पानी, दूध जैसी चीजें छान के पियो, शराब, मांस और व्यसन का त्याग करना, ऐसी आरोग्य शास्त्र की बातें भी इस छोटे ग्रंथ में समावित है। इसके अलावा धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मोक्ष तक के आध्यात्मिक आज्ञाएं भी इस शिक्षा पत्र में शामिल है। इस तरह शिक्षा पत्र व्यवहार शास्त्र, समाज शास्त्र, राज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, आरोग्य शास्त्र और नीति शास्त्र के साथ साथ कोण सर्व धर्मों के प्रति समान है। जैसे कि विष्णु, शिव, अगर शिक्षा पत्र की आज्ञाओं को शिक्षा के जरिए या अन्य कोई माध्यम से प्रचार किया जाए और अपनाया जाए तो समाज की और राज्यकर्ताओं की कई समस्याओं का हल स्वयं ही निकल सकता है, क्योंकि शिक्षा पत्र का नजरिया सर्व
देवों को पूज्य मानना कैसी सुंदर बात है। ये पांच देवों में भारत के समग्र धर्म का प्रतिनिधित्व आ जाता है। धर्म का सच्चा अर्थ सिखाने वाली यह पुस्तिका है। आज जब हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म ऐसे सभी का सुनते हैं तो पुस्तक में इसमें एक नई बात शामिल की। नई बात यह है कि जगत में धर्म को एक ही है सदाचार। उसकी जगह पर हम धर्म को कहां से कहां ले गए। इस तरह शिक्षा पत्र की आज्ञाएं और दिशा सूचक इतने सचोट और भावना से भरे हैं कि उसकी रचयिता को बारंबार मनन करता मन होता है। शिक्षा पत्र में मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कोई बात बाकी नहीं रखी। परस्पर प्रेम की, दया की और भावना की अधिकता को इसलिए शिक्षा पत्र में अहिंसा से सदाचार तक की बातों का वर्णन किया है। सदाचार में मुख्य बात है आहार शुद्धि की। आजकल मनुष्य अनेक रोगों से पीड़ित है, उसका कारण है आहार शुद्धि का अभाव। बाजारू आहार, नाश्ता, होटल या रेस्टोरेंट की चमकती डिश, डिश में परोसे हुए भोजन से आरोग्य और मन दोनों को भयंकर नुकसान होता है। शिक्षा पत्र को कहते हैं कि जिसका आहार शुद्ध होता है उसी का मन भी शुद्ध रहता है। इसलिए आहार में स्वच्छता के साथ पवित्रता जरूरी है। होटल में पवित्रता कहाँ से आई? पूरे विश्व में सेवा का बहुत महत्व है। लोगों को दूसरे की सेवा देना अच्छा लगता है, पर सेवा करना बहुत कम लोगों को पसंद है। परंतु शिक्षा पत्र में स्पष्ट कहा है कि सेवा से आध्यात्मिक सुख शांति की वृद्धि होती है। गुरु सेवा ये भक्ति है और योगी